इस वीडियो में हम चैप्टर नेशनल मीडिया पढ़ी है और पिछले वीडियो हमारे इस चैप्टर पढ़ रहे क्योंकि यूनिट हमारा बहुत लंबा है और उसके ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन का समय है और यूनिट 3 टूअर्स वीडियो में क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा फैक्टर ऐसा है, कौन से कारण ऐसे जिसे इंडियन इकॉनमी को शेप मिलता है लेट 1920s में और जबकि हमारे अंदर ही अंदर लोगों का ये विचारों का ये संघर्ष चल रहा होता है। उसमें कई शब्द है जैसे कि पहला शब्द यही है वो कारण क्या है, वो कारण हमारे पास इंडियन पॉलिटिक्स ने भारत की राजनीतिक की दिक्कत क्या है तो वहाँ पर जानते ही है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को 1920 में वो नॉन कमीशन कमेटी को विड्रॉ कर लेते हैं, कर देते हैं। मोतीलाल नेहरू चंद्रन दास जी कहते हैं कि नहीं वो हमें अपने सेकंड मौसम से जाना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पर पास चलो से कुछ मिल नहीं रहा, पॉलिटिक्स में टशल है। फिर सिचुएशन क्या है, इंटरनल डिबेट संघर्ष चल ही रहा विचारों का। फिर नौजवान लोग कहते हैं कि नहीं हम मास स्ट्रगल ही करेंगे, पूरे इंडिपेंडेंस निकालेंगे उससे। और पहला जैसे जो आंसर पॉइंट है वो यहाँ पे ये कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया है वो उसके कारण से पहली बात हुआ और दूसरा एग्रीकल्चर प्राइस जो है 1926 में गिरने लगेगी 1926 से और कोलैप्स हो जाएगी और 1930 तक वो बिल्कुल बंद मतलब बिल्कुल कोलैप्स की सिचुएशन पहुंच जाएगा। तो अब पहला टॉपिक ये है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि 24 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है यूएस का जो पूरा स्टॉक मार्केट का जैसे निफ्टी वगैरह इंडिया में पाया जाता है तो वो क्रैश हो जाता है। अब वो क्रैश क्यों होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मॉनिटरी पॉलिसी बैंकों में बहुत पॉलिसी जो बैंकों को रूल करने की होती है जो गवर्न करने की बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरी पॉइंट क्या होता है कि वहाँ पे टैरिफ जो होता है जो इनकमिंग गुड्स पे बहुत हैवी टैरिफ लगा दिया जाता है उनके प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है यानी प्रकृति बहुत फेल हो जाती है वहाँ पे कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंस आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फसल खराब हो जाएगा। लोग क्या करते हैं बैंकों से पैसा निकालने लगते हैं और अफरा तफरी में वो बैंक पूरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, इस कारण कई सारे बैंक बंद करने पड़ जाते हैं। इन सभी कारणों से क्या होता है बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ता है जो कि इंडिया में इससे बहुत बड़ा प्रभाव में पड़ता है क्योंकि ये लोग टोटली अमेरिका के से बैकअप चल रहे हैं बिजनेस से और इंडिया में जो मेन बिजनेस का रोल है वो ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन अगर परेशान है तो इंडिया भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसकी इन्फ्लुएंस में आ रही है। एग्रीकल्चर प्राइस 1926 गिर जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा 1930।